भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीटों में अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। चुनावी भोपू के बंद होते ही अब इंतजार 1 जून और फिर 4 जून को परिणाम आने का है। सत्ता के शीर्ष पर कौन सी पार्टी बैठेगी? एनडीए की किस्मत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उस कुर्सी पर बैठेंगे या इंडिया गठबंधन इस बार कुछ कमाल कर जाएगी? बड़ी संख्या में जो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के साथ एकजुट होकर एक साथ आए हैं, उसका असर क्या इस चुनाव में दिखेगा? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बनाम 10 साल का विकास, 2047 में विकसित भारत का चुनावी तौर पर दिया गया एक बयान और तैयारी क्या दिखाती है कि भारत में मतदाता अब देश और विश्व की निगाहों से अपने आप को देख रहा है? आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। आठ राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है और इसी के साथ ये तय हो गया है कि चुनावी बिगुल भी अब बजकर शांत होने वाला है। 4 जून का इंतजार सभी को है। 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। 7वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा 13-13 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश और पंजाब की हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की इसी चरण में किस्मत दांव पर है। 7वें चरण में वाराणसी में भी चुनाव होगा जहां से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद 7वें चरण पर सबकी निगाहें हैं। 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 13 उत्तर प्रदेश की, 8 बिहार की, 6 ओडिशा की, 3 झारखंड की, 4 हिमाचल प्रदेश की, 9 पश्चिम बंगाल की, 1 चंडीगढ़ की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 65 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 65 में 43 विधानसभा क्षेत्र से 2022 में भाजपा के विधायक जीते हैं। 11 विधानसभा में सपा, 2 में अपना दल एएस और 4 पर सुभाषपा और 3 पर निषाद पार्टी के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें भी हैं। पंजाब में भी 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में इनमें से 8 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीट पर भाजपा और 2 पर शिरोमणि अकाली दल को सफलता मिली थी। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अरुण धवन भी अपने बयान में कहते हैं कि इस बार लड़ाई तगड़ी है और लड़ाई दिख भी रही है, लेकिन लड़ाई में कांग्रेस के स्थान पर आम आदमी पार्टी आ गई है। बाकी सभी दल बीजेपी समेत अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन के तहत 8 सीटों पर, कांग्रेस 3 पर लड़ रही है और भाजपा भी 3 सीटों पर कांटे के मुकाबले में बताई जाती है। पंजाब में कांग्रेस के पुराने दिग्गजों के पार्टी छोड़ देने से उन्हें नुकसान भी दिख रहा है। इसके कारण भाजपा को 1 सीट अधिक मिल सकती है, ऐसा जानकार बताते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार राज्य की लोकसभा में नंबर 1 पार्टी बनने की ओर है। हालांकि अंतिम परिणाम 4 जून को आने हैं, तभी ये तय होगा। 7वें चरण की 57 सीटों में 2019 में भाजपा ने अकेले 25 सीटें जीती थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में 5 सीट सहयोगी दलों ने जीती थी, यानी 57 में से 30। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान भी आया है कि भाजपा का एक गणित तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी बिगड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा 2019 दोहरा ले, यह बड़ी बात है, लेकिन ये राजनीतिक बयान है। इसके उलट बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह रिकॉर्ड मतों से भारी संख्या में सीट जीतेंगे और 30 से भी संख्या बढ़ सकती है। 7वें चरण में चंडीगढ़ की 1 सीट, हिमाचल की 4, पश्चिम बंगाल की 9, झारखंड की 3 और उड़ीसा की 6 सीटों पर भी मतदान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी चर्चा में है जो बलिया में दिया गया। उन्होंने कहा कि नीरज को वोट देने से वो सांसद, मोदी पीएम बनेंगे और चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि मिलेगी। सपा बसपा के दौर में माफिया परेशान करते थे, योगी ने उन्हें उल्टा लटका कर सीधा किया। ये असर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिहाज से दिखता है और मत के लिहाज से भी उन्हें असरदार साबित हो रहा है। तमाम लोग
इस वक्त देश की राजनीति में अलग नजरिए से देख रहे हैं। वो नजरिया 4 जून को सामने भी आएगा कि किस तरीके से देश की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई मत पेटी तक पहुंच पाई है। एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीवी इंटरव्यू में चर्चा हुआ, उसके जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने गांधी के बारे में न पढ़ा हो। लोकसभा चुनाव के लिए पहला ओपिनियन पोल भी चिंता में डाल रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल पर विस्तृत बातचीत हम 1 जून शाम 6 बजे के बाद करेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये ओपिनियन पोल इस वक्त जो आ रहे हैं वो अंदरूनी है। बाहरी तौर पर जब सामने आएंगे तो सीटों का गणित भी बनता बिगड़ता दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन ने चुनाव मजबूती से लड़ाया ये सभी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत कमजोर है ये माना नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं की बात करें या तमाम नेताओं और आरएसएस के अन्य चरणों में भी एक्टिव होने का असर इस चुनाव में पूरे तौर पर दिखाई देगा। 1 जून को मतदान है, शांतिपूर्ण मतदान की पूरी उम्मीद है। चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका है और इसके बाद 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी तो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ साथ सत्ता में कौन सी पार्टी होगी ये भी तय हो जाएगा। सहयोगी दल अपने अपने कयास लगा रहे हैं और राजनीति बनती और बिगड़ती दिखाई देगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन के दलों ने चुनाव भले ही साथ लड़ा हो, लेकिन स्थितियां बदलती है तो 4 जून के बाद वो एनडीए के पक्ष में जाने वालों की तादाद में भी बदले जा सकते हैं। वहीं उलट कुछ लोग ये भी कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर कि अगर इंडिया गठबंधन बहुमत के आसपास रहती है तो ज्यादातर जो दल है क्षेत्रीय है या अन्य है निर्दलीय है वो एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे। हालांकि देश में एक नेता तय है जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर, लेकिन इंडिया गठबंधन एक विचार के साथ लड़ रही है, व्यक्ति के साथ नहीं। ऐसे में 4 जून के बाद अगर बहुमत आता है तो कौन उनका सबसे बड़ा नेता होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति अब नए मोड में है और ये चुनाव कई मायनों में खास रहा है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि देश की राजनीतिक दशा और दिशा में चुनाव कितना कारगर साबित हुआ है। राजस्थान चौक को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी खास और अहम खबर के साथ। नमस्कार।